अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़िया फूडीज किचन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे वाले दही भल्ले, जो अक्सर आप लोगों ने शादियों में खाए होंगे। तो आप सोचते होंगे ये दही भल्ले काश हम भी अपने घर पर बना सकते। तो आज हम इसी तरीके से आपको ये रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ईजी है। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दही भल्ले चाट बनाना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप उड़द की दाल, जिसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखनी है। भीग जाने के बाद में हमें इसे बारीक पेस्ट बना लेना है। तो अभी इसे हम भिगोने के लिए रख देते हैं। तो 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब हम अपनी दाल को पीस लेते हैं। दाल को हमने अपनी पीस लिया है, ये देखिए एकदम हमने बारीक पेस्ट बनाया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसे हमें बिल्कुल गाढ़ी ही रखना है। अब इसको हम हाथों से फेंट लेते हैं। जब तक हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि हम इसको इसकी एक थोड़ा सा पेस्ट पानी में डालकर चेक कर लेंगे। पानी में डालने से ही उसका पेस्ट ऊपर आ गया है, तो दाल हमारी पूरी तरीके से फूल गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं पानी में डालकर। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने पानी में डाल दिया है और दाल ये देखिए हमारी फूल कर ऊपर आ गई है। इससे हमें ये पता लग गया कि दाल हमारी एकदम परफेक्ट फूल गई है। अब हम इसके दही भल्ले बनाते हैं। अब हम अपने हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इस पर रखेंगे ये दही भल्ले का पेस्ट, इसको अपने हाथों पर, और इस पे हम रखेंगे थोड़े से जो हमने काट कर रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके अंदर हम इसको स्टफ्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम लेंगे। यहाँ पर हमने काजू, बादाम, पिस्ता, और आप अपने मन के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने छुआरे भी लिए हुए हैं, छुआरे दही भल्लों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अपने मन के मुताबिक के ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। अब हम इसको कर देंगे इसमें कवर इस तरीके से और इसको दे देंगे एक शेप। हमने यहाँ पर ओवल शेप दिया हुआ है, आप चाहें तो गोल भी कर सकती हैं या हाथों की हेल्प से इसे चपटा भी बना सकती हैं। ये देखिए हमारा ओवल शेप में बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डाल देते हैं कढ़ाई पर। गैस पर हमने अपनी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, तेल हमारा हो गया है गर्म। अब हम इसमें अपने दही भल्ले एक एक कर डालेंगे इस तरीके से धीरे से। गैस हमें अपनी मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, वरना दही भल्ले हमारे अंदर से कच्चे हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी अपने भल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे भी डाल देते हैं। ये देखिए हमारे सारे भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं और हम इसे अब दूसरी साइड भी घुमाकर पका लेते हैं। हमें इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हमें लाइट गोल्डन रखना है। दही भल्लों को हमने चारों तरफ से घुमा घुमा कर पूरा हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें सुनहरा कलर, गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दही भल्लों को निकाल कर हम डायरेक्ट मतलब पानी में डाल देंगे और इनको 1 घंटे के लिए हम ढककर रख देंगे। पानी हमने यहाँ पर गर्म नहीं लिया है, पानी हमारा नॉर्मल पानी है, क्योंकि दही भल्ले हमारे बहुत गर्म है, उसकी वजह से हमारा पानी अपने आप गर्म हो जाता है। अब हम इन्हें दही हमने लिया यहाँ पर 1 कप, जिसका हमने पानी निकाल कर इसको हमने फेंट लिया है। ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर देना है हमें इस तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले हमने यहाँ पर डाला है 3 चम्मच शक्कर। दही में हमने शक्कर पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि दही में शक्कर डालकर पीसने से दही पतला हो जाता है, इसलिए हमने इसमें डाला है पिसी हुई शक्कर 3 चम्मच। अब हम इसमें हमें एकदम से शक्कर नहीं डालनी है। इसके बाद में हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हमें लग रहा है अभी इसमें शक्कर और डलेगी, तो हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच शक्कर और। ये इस तरीके से देखिए हमने 2 चम्मच शक्कर डाल दिए, इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दही हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ में। अब हम इसमें अपने दही भल्लों को डाल देंगे। 1 घंटे हो गया है, अब हम इसे इस दही भल्लों का सारा पानी दबा कर निकाल देते हैं। ये देखिए दही भल्ले हमारे भीग कर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनका हम दबा दबा कर पानी एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और डाल देंगे इसे हम दही में, जो हमने दही फेंट कर रखा हुआ है।
इसी तरीके से हम बाकी के भी दही बल्ले दही में डाल देंगे और दही से हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले स्प्रिंकल किया हुआ है चाट मसाला। हम चारों तरफ पहले चाट मसाला डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुना जीरा पाउडर इस तरीके से। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, जो हमने अपने हाथों की हेल्प से इसको भी चारों तरफ डाल दिया है। ब्लैक सॉल्ट डालने से हमारे दही बल्लों में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसे कट करके कि देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने अच्छे बने हुए हैं। पर हमने ली हुई है सूंट की चटनी, जो हमारी होममेड है, हमने घर पर बनाई हुई थी। अब हम इस दही बल्ले में इस मीठी चटनी को डाल देते हैं। इससे हमारे दही बल्ले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब हम इसमें इस तरीके से इसमें भी डाल देंगे और हमारे जो कुछ बच गए थे ड्राई फ्रूट्स, वो भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने से हमारे दही बल्लों में टेस्ट और बढ़ जाता है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम इस वाले पीस के ऊपर भी डाल देंगे। ये कितना अच्छा दिख रहा है हमारा दही बल्ला, ये देखिए। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं कि हमारे दही बल्ले अंदर से कितने स्पंजी बने हुए हैं और कितने ज़्यादा भीग गए हैं। ये देखिए, एकदम स्पंजी दही बल्ले हमारे बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। हम आपको खा कर बताते हैं कि हमारे दही बल्ले कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, और इस रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को देखती रहिएगा, हमारी हौसला अफजाई करती रहिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।